प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीजस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे कल मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जिससे मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने सोचा कि इसके बारे में मुझे एक वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये वीडियो ये था कि यीशु मसीह क्या करते थे, गाय को माता मानते थे, है ना। कई लोगों ने क्या किया है, यूट्यूब में ऐसे वीडियो अपलोड करके रखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह थे वो क्या करते थे, गाय को माँ मानते थे। मेरे प्रियो, तो मैंने ये देखा, तो मैंने अच्छी रीति से वीडियो को देखा। मुझे पता चला कि उन्होंने बाइबल को बिल्कुल खोल के देखा नहीं है, और उन्होंने जो वीडियो बनाया है वो गूगल की नॉलेज को लेकर क्या किया है, वीडियो को बनाया है। अगर वो बाइबल को पढ़ते, अगर बाइबल से जानकारी लेते, तो शायद ऐसे वीडियो वो बनाते नहीं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए और हम आपको बताएंगे भगवान यीशु के बारे में कि भगवान यीशु भी गाय को माँ मानते थे और ईसाई धर्म गाय की पूजा करता था। भगवान यीशु गाय को माँ मानते थे और भगवान यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था, ये आप सबको बताइए। इस बात को आप यीशु के जन्म के समय लिखी हुई कहानियों में पढ़ सकते हैं। ये भाई बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो क्या करते थे, गाय को माता मानते थे। क्यों माता मानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था, गौशाले में हुआ था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, गाय को माता मानते थे। मेरे भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर आप बाइबल की सारी किताबें 66 किताबें आप पढ़ लेंगे, वहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गाय को माँ मानते थे। और कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि लोग क्या करते थे, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग गाय को मां मानते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं है कि गाय को मां मानो या गाय पवित्र है। बाइबल में कहीं पर भी यह शब्द उपयोग किया गया नहीं है गाय के लिए। लेकिन ये लोग, वही लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं जो गाय को क्या मानते हैं, माता मानते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं। ऐसे लोगों का ही ये काम है कि वीडियो बना के क्या करना है, अपलोड करना है, और क्या करना है कि जो गाय है उसको क्या करना है, ऊपर जराक उठाना है ताकि लोग जान पाए। इससे क्या होता है कि लोगों में क्या होता है, एक गलत नॉलेज जा रहा है, है ना। अगर कोई हिंदू भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं तो वो तो खुश हो जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी क्या करते थे, गाय को माता मानते थे, क्योंकि उन्होंने तो ना बाइबल पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी कभी वीडियो ऐसे देख लेते तो वो भी कंफ्यूज में हो जाते कि ये क्या है भाई, ठीक है ना। तो ये भाई ने कहां से नॉलेज उठाया है, गूगल से। अगर वो बाइबल को पढ़ते तो शायद ऐसे वीडियो बनाते नहीं। उनका कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह गाय को मां इसलिए मानते थे कि यीशु मसीह का जन्म कहां पे हुआ था, गौशाले में हुआ था। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ था। बाइबल में हम दो सुसमाचारों में देख सकते हैं, पहला है मत्ती और दूसरा है लूका में, जहां पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में बाइबल हमें बताती है। मत्ती उसका 2:11 में लिखा है, क्या लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाए। यहाँ पर जो ज्योतिषी, जो तीन ज्योतिषी है ना, प्रभु यीशु मसीह की खोज में आए थे, एक मसीहा का जन्म हुआ है ऐसे करके वो आए थे, और उन्होंने कहाँ पर गया, उस घर में गए जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई गौशाले का शब्द उपयोग नहीं किया गया। लुका रचित सुसमाचार 2:12 हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। यहां पर भी गौशाला का शब्द नहीं है, किसका शब्द आया है, चरनी का शब्द आया। ये लोग क्या करते हैं कि चरनी के शब्द को हटाकर किसका उपयोग करते हैं, गौशाला का, जो कि बिल्कुल गलत है। गौशाले का मतलब यह है कि जहां पर गाय बांधी जाती है, लेकिन चरनी का मतलब यह है कि जहां पर जानवर को चारा दिया जाता है ना, चारे के लिए एक स्थान रहता है जहां पर जानवरों को क्या किया जाता है, चारा दिया जाता है। लेकिन वो जानवर कुछ भी हो सकते हैं, अगर भेड़ पाली जाती थी, तो यहां पर कहीं पर भी गाय का जिक्र नहीं आया है। यहाँ यीशु का जन्म हुआ था, वहां भी गाय थी, और जन्म लेते ही यीशु ने गाय को देखा था, तभी से यीशु का लगाव गाय से काफी था। और इस भाई ने यह बताया कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और आंख खोल के देखा तो सबसे पहले किसको देखा, गाय को देखा। ये भाई कहाँ से आप ज्ञान लेकर आए, कहाँ से ये नॉलेज लेकर आए हैं, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सबसे पहले गाय को देखा। ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। ये गाय को क्या कर रहे थे, ऊंचा, मतलब गाय सबसे पवित्र है, गाय सबको माता मानना चाहिए, मतलब ये वो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यीशु मसीह भी गाय को क्या करते थे, माता मानते थे, तो क्या करना है, सबको गाय को माता मानना है। यह प्रतिमा पर्वत की चोटी के भ्रमण के दौरान यहूदी संत मोशेज द्वारा पीछे छोड़ दिए गए लोगों द्वारा बनाई गई थी। दूसरी बात, भाई ने यह बताया कि जो यहूदी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, वो क्या करते थे, बछड़े की पूजा करते थे, अर्थात जो गाय का जो बछड़ा है उसकी पूजा करते थे।
ओके, जब हम बाइबल में निर्गमन उसका 32 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर सोने के बछड़े के बारे में लिखा हुआ है। तो इस भाई ने मतलब इतना ये जो नॉलेज है वो बिल्कुल बाइबल से उन्होंने नहीं लिया है। अगर बाइबल पढ़ते तो शायद ये वीडियो ही नहीं बनाते, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम हो जाती, लेकिन बाइबल को उन्होंने पढ़ा नहीं। ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं। इस अध्याय उसका 12 कलम पढ़ेंगे तो मूसा सीनै पर्वत पर जाता है, वहां पर परमेश्वर उनको क्या देने वाले थे, व्यवस्था देने वाले थे और 10 आज्ञाएं देने वाले थे। लेकिन जब 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो जब मूसा की आने में देरी हो गई तो लोगों ने क्या सोचा कि अभी मूसा मर गया है, मूसा अभी तक नहीं आया, इसका मतलब मूसा क्या हो गया है, मर गया है, अभी क्या करें, एक देवता बनाएंगे जो हमारे आगे आगे चलेगा। तो उन्होंने क्या बनाया, सबके जो सोना उनके पास जो जो सोना था उनको क्या किया, इकट्ठा करके हारून के पास लेकर आए और हारून के ऊपर दबाव डाला कि हमारे लिए क्या बनाओ, एक देवता बनाओ। तो वहां पर उन्होंने क्या बना लिया, एक बछड़े का रूप का एक मूर्ति बना लिया और उसकी पूजा करने लगे, ठीक है ना, होम बलि मेल बलि करके उसको चढ़ाया और उसकी पूजा करने लगे। जब परमेश्वर को यह बात पता चली तो परमेश्वर क्या हो गए, क्रोधित हो गए। परमेश्वर क्या हो गए, क्रोधित हो गए। परमेश्वर को बहुत क्रोध आया क्योंकि लोग क्या करने लगे थे, गाय के बछड़े की क्या करने लगे थे, पूजा करने लगे थे। इसलिए बाइबल में हमें बताती है निर्गमन उसका 20 अध्याय में जो 10 आज्ञा में से जो बहुत इंपॉर्टेंट आज्ञा है कि तू किसी की मूर्ति की पूजा ना करना, किसी की मूर्ति की पूजा ना करना। बाइबल मूर्ति की पूजा के बारे में बिल्कुल मना करती है। और यहूदी लोग, क्रिश्चियन लोग क्या करते, उस जमाने में उसकी पूजा करते, बिल्कुल नहीं पूजा करते थे भाई। और उसका परिणाम क्या हुआ, जब मूसा ने आए सीनै पर्वत से, जब नीचे आए तो लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया और जो बछड़ा बनाया था उसको क्या किया, बिल्कुल घोल है ना, उसका घोल बना दिया, पिघला दिया और सब लोगों को क्या कर दिया, पिला दिया। और जानते हो उस दिन में 30,000 लोग मारे गए थे। क्यों मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने इस बछड़े की क्या की थी, पूजा की थी। इसलिए जब मूसा फिर से सीनै पर्वत पर जाता है और प्रायश्चित करता है उनके पापों के लिए, मूसा क्या करता है, प्रायश्चित करता है। अगली बात भाई ने बोला कि जहां पर भी यीशु मसीह का जिक्र किया गया है, जहां पर भी यीशु मसीह का नाम आया, जहां पर भी यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, वहां पर बेल और गाय की पवित्रता को बताया गया है। यह भी बिल्कुल रॉन्ग है, यह बिल्कुल रॉन्ग है। कहीं पर भी गाय और बैल को पवित्र करके नहीं माना गया है। ओके, मूसा की व्यवस्था में यह था कि मेल बलि, जो मेल बलि चढ़ाना था उसमें से गाय और बैल को क्या कर सकते थे, परमेश्वर के लिए मेल बलि करके क्या कर सकते थे, चढ़ा सकते थे, वो भी निर्दोष। ले जो ईसाई लोग आज मांस खाते हैं या फिर गाय खाते हैं, असल में यीशु के भक्ति नहीं है। ये बताया कि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, गाय का मांस खाते हैं। ओके, आप मांस खाकर भी प्रभु पे विश्वास कर सकते हैं, अगर आप मांस नहीं खाते हैं तो भी प्रभु पे विश्वास कर सकते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, गाय का मांस खाते हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया, वो विश्व में नंबर वन है बीफ का एक्सपोर्ट करने, समझ गए ना, बीफ का एक्सपोर्ट करने में इंडिया विश्व में नंबर वन है। और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां एक्सपोर्ट हैं, कंपनियां हैं, उसके जो मालिक कौन हैं, हिंदू लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। उसमें कहीं पर भी गाय को पवित्र नहीं माना गया है, कहीं पर भी गाय को माता नहीं कहा गया है। मैं सभी लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने गाय को माँ नहीं माना है और ना मान सकते, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर, वो तो जीवित खुदा है मेरे प्रियो। हमें उसको मानना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, ना कि गाय के ऊपर। गाय तो एक जानवर है, एक जानवर ही है, गाय को परमेश्वर ने बनाया है। गाय की आप जितनी भी आप पूजा करो वो जानवर ही रहेगा, कितना भी आप माला चढ़ा रहो वो गाय ही रहेगा, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की।